हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी बालों को असमय सफ़ेद होने से बचाने और सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय और नुस्खे। पहला उपाय इस प्रकार है, आप दही के साथ टमाटर को पीस लीजिए, इसमें एक नींबू का रस और 2 चम्मच नीलगिरी का तेल मिलाइए और इस प्रकार तैयार किए गए मिश्रण से हफ्ते में 2 बार सिर की मालिश कीजिए और 1 घंटे के बाद आप बालों को धो लीजिए। इस उपाय को यूज़ करेंगे तो लंबी उम्र तक बाल काले और घने बने रहेंगे। अगला उपाय इस प्रकार है, तोरई या तोरी को बारीक बारीक काट कर नारियल के तेल में तब तक उबालिए जब तक कि वह काली ना हो जाए। फिर जब तेल ठंडा हो जाए तो तेल को छानकर किसी बॉटल में भर लीजिए। इस तेल से हफ्ते में 2 बार सिर की मालिश कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अदरक के रस में शहद मिलाकर हफ्ते में 2-3 बार बालों में लगाने से भी बालों का सफ़ेद होना या पकना रुक जाता है। दोस्तों, अमरूद की पत्तियां और आंवला भी बालों को काला रंग देने में बहुत उपयोगी हैं। अमरूद की पत्तियों के पेस्ट में आंवले का रस या आंवला पाउडर मिलाकर इसे 1 घंटे के लिए बालों में लगाएं, फिर पानी से बालों को धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करेंगे तो बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। मेथी के पत्तों के पेस्ट में दही मिलाकर लगाने से भी बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अलावा अरंडी के तेल में प्याज का रस मिलाकर हफ्ते में 2 बार बालों की मालिश करने से भी बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है। तो ये थे सफ़ेद बालों के लिए कुछ घरेलू उपचार और नुस्खे। इनमें से 1 या 2 नुस्खों को आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।